गुड मॉर्निंग डायरेक्शन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलम देवी, घर बेलहा, जिला मधुबनी। आज मैं आप लोगों को एक जड़ी बूटी राजा गेनोडर्मा के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर इस चीज़ को हम समझ लेंगे तो मेरा आने वाला समय में स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाला जो समय है हम लोग के लिए बहुत भारी है, क्योंकि आज के टाइम में पहले लोग इतना स्वास्थ्य प्रति ध्यान नहीं देते थे, लेकिन 2020 से जिस दिन से ये कोरोना वायरस आया है उस दिन से हम लोग को स्वास्थ्य क्या होता है वो जीना सिखा दिए हैं। तो इसलिए समय रहते हुए अगर हम लोग स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य को बचाएंगे, तो आगे भविष्य में कभी हम लोग का परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर समय रहते हुए हम आज के डेट में अभी स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान देंगे तो हमारे आगे चल के बहुत समस्या होगा, बहुत परेशानी होगा। तो आज मैं ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते होइएगा, क्योंकि आज ऐसा कोई बात नहीं है जो हम लोग से छुपा हुआ है। नेट के ज़माना से इतना मतलब हो गया है, सो कोई चीज़ का जानकारी अगर लेना है तो हम लोग गूगल से भी ले सकते हैं, नेट से भी ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, अगर ध्यान देंगे तो हम लोग इस चीज़ के बारे में नेट से भी जानकारी ले सकते हैं, गूगल से भी जानकारी ले सकते थे। अगर इतना हरेक आदमी जो बता रहे हैं गेनोडर्मा के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में, आखिर है क्या, तो इस चीज़ को जानकारी आप खुद भी ले सकते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं YouTube के माध्यम से, Google के माध्यम से, नेट के माध्यम से। तो आज जो इतना बीमारी जो आ रहा है किसके कारण से आ रहा है, लोग मतलब हल्का फल्का परेशानी तो होता है तो लोग मतलब क्या कहते हैं शुरू पर अपना ध्यान नहीं देकर अगल बगल से इंग्लिश दवा ले लेते हैं, कुछ दिन अपना दवा खाते खाते बीमारी को दवाते हैं दवाते हैं दवाते हैं, लेकिन यही दवाते दवाते लोग को लगता है कि हम तो अब दवा खाए हैं तो ठीक हो गए। नहीं, आप ठीक नहीं होते हैं, आप कुछ दिन के लिए आपका दवा आराम कर देते हैं, आपका समस्या को दवा देते हैं। तो इसको हमको दवाना नहीं है, इसको हमको समझ के नहीं कहता है सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक ही बार, लेकिन सस्ता तो समझ कर हम लोग को, जैसे कि कोई बुखार आया, जैसे सर्दी खांसी हुआ, या कोई पेट में दर्द हुआ, या कुछ भी समस्या हुआ, हम कहीं मार्केट से जाके 2-4 रुपया 10 रुपया में हम दवा ले आते हैं। मुझे तो सस्ता में मिल जाते हैं, लेकिन वही दवा कुछ दिन तो हमें राहत देने के बाद वही दवा हम लोग को बड़े प्रॉब्लम में ले आते हैं, और वही बड़े प्रॉब्लम एक दिन बड़े हॉस्पिटल में हम लोग का जाना पड़ता है, और बहुत सारा रुपया हम लोग को खर्चा होता है, और वही बहुत सारा रुपया खर्चा होने के बाद पैसा भी चला जाता है, साथ में हम लोग का शरीर भी चला जाता है। तो इस चीज़ से हमको बचना है, इस चीज़ को हमको समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा जैसे कि अभी जो डॉक्टर लिम्सियोजिन जे ये रिएक्शन प्रोडक्ट को जो लाए ऋषि गेनोटी सॉरी गेनोडर्मा लुसिडम के बारे में जो सर बताए, और डॉक्टर लिम्सियोजिन के लिए एक बार जोरदार ताली दे दीजिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज हमें भी जो इस चीज़ को जानकारी मिला, तो हम भी इस चीज़ से अनजान थे, कोई हमें भी जानकारी नहीं था, हम लोग भी इंग्लिश दवा खा खा कर बहुत परेशान रहते थे, कुछ दिन तो दवा खा कर दवा लेते थे लेकिन फिर वही परेशानी आ जाते थे। लेकिन जब यही चाय के बारे में हमको पता चला सर के माध्यम से, जब हम इस चाय को पीना शुरू किए तो मेरा धीरे धीरे जितना समस्या था वो ख़त्म होने लगा, तब हमको आगे लगा कि यही चाय हम लोग के बचाव है, क्योंकि ये चाय देखने में तो लगता है कि मामूली सा चाय है, लेकिन ये कोई मामूली चाय नहीं है, ये दुनिया में पूरे विश्व में जड़ी बूटी का राजा है, क्योंकि इसके लाने वाला कोई आम इंसान नहीं है,
डॉक्टर लिमसोजिन मानव जाति के लिए मान के चलिए महामानव है, क्योंकि उन्हीं के उनके 10.5 वर्ष तपस्या के बाद उन्होंने इस जड़ी बूटी राजा गेनोडर्मा को बारे में जब ढूंढा, ढूंढने के बाद जब 38 प्रजाति को ढूंढ कर लैब में जब चेक किए तो उन्होंने देखा कि 36,000 उसमें से जहरीला निकल गए थे। उसी 36,000 में से फिर जब लैब में चेक किया तो उन्होंने देखा कि 2,000 उसमें से बटर मशरूम निकला जो कि खाने का योग था। उसी 2,000 में से जब मतलब ढूंढा तो 200 मशरूम ऐसा निकला जो अभी भी एलोपैथी में हेमोपैथी में उस 200 मशरूम का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। उसी 200 में से जब लैब में चेक किए तो 6 मशरूम ऐसा निकला कि हम लोग का शरीर के वाइटल अंग की तरह थे। जब हम लोग को बोलते हैं कि मतलब यही चाय हजारों बीमारी को रोकते हैं, हजारों बीमारी से हम लोग को बचाते हैं, तो लोग को सुनने में अजीब सा लगता है कि आज तक मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट के बारे में जाने नहीं थे, ऐसा कोई प्रोडक्ट के बारे डॉक्टर के पास जाते हैं एक बीमारी के लिए तो हजारों जाँच लिखता है, लेकिन यहाँ आने से कोई जांच नहीं, कोई प्रताप नहीं है, मुँह जवानी दवा देता है। लेकिन ये यही चीज़ को जान लीजिएगा अगर जो आखिर ये गेनोडर्मा है क्या चीज़, तो यही जो 200 में से जो 6 मशरूम जो ढूंढे तो हम लोग का शरीर के वाइटल अंग की तरह थे, जैसे कि ब्रेन आकार के, लीवर आकार के, फेफड़ा आकार के, स्किन आकार के। तो उसमें से जब डॉक्टर लिम्सोजिन यही देखे जो जैसे कि पहले जमाना में कान आकार का एक कान आकार का कंचत का आम के डाली पर जो लग जाते थे, तो वो पहले जमाना में कान में जो घाव हो जाते थे तो हम लोग को दादी माँ क्या करते थे, उसमें से कंचत का को पीस कर कान के घाव में लगा देते थे तो कान के घाव ठीक हो जाते थे। तो डॉक्टर लिम्सोजिन यही देखे जब कान आकार का मशरूम कान के घाव को ठीक कर सकता है तो यहाँ तो 6 प्रकार के मशरूम हम लोग को शरीर के वाइटल अंग की तरह है, तो जो अंग में जो प्रॉब्लम होगा वो अंग के वहां से ठीक करेगा। तो उन्होंने क्या किए, मतलब आप 6 को प्रोडक्ट करना मुश्किल था तो उन्होंने क्रॉस बीज कराकर 6 को ताकत क्या किए, 3 में लाए, 3 के बाद 2 में लाए, 2 के बाद 1 में ला दी, उसी 6 को नाम रख दे 6 in 1 गेनोडर्मा की 6 को ताकत आ गए 1 में। अब गेनोडर्मा जहां उगता था तहां 20 मीटर रेंज से कचरा खींचकर वो खुद जहरीला हो जाता था, क्योंकि गेनोडर्मा का काम था जो टॉक्सिन खींचना। तो यही डॉक्टर लिम्सोजिन देखे जो आज के डेट में, पहले जमाना में 50 साल पहले के बात लीजिएगा तो उस समय में इतना प्रदूषण नहीं था, इतना पानी गंदगी नहीं था, इतना भोजन में गंदगी नहीं था, जो हम लोग पानी पीते थे शुद्ध पीते थे, जो हवा लेते थे शुद्ध लेते थे, जो भोजन खाते थे वो शुद्ध लेते थे, लेकिन वही हवा वही भोजन वही पानी आज के डेट में क्या हो चुका है, प्रदूषित तो हो चुका है, सबको पता है। लेकिन ये गेनोडर्मा जो है जो जहाँ उगता था तहाँ 20 मीटर रेंज से कचा, तो यही गेनोडर्मा में डॉक्टर लिम्सोजिन देखे जो टॉक्सिन खींचने का पावर है, अगर मनुष्य इसका ले सेवन करेगा तो मनुष्य का बीमारी का मेन कारण है दो ये चीज, एक गंदगी और एक पोषक तत्व का कमी। आज के डेट में हम लोग जो इतना गंदगी ले रहे हैं इसके लिए हमारे पास कोई साफ सफाई का समाधान नहीं है। हम लोग तो भोजन खा लेते हैं, पेट तो भर लेते हैं, लेकिन जो हम लोग को पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसी के कारण हम लोग इतना बीमारी की ओर जा रहे हैं। किसी का ब्रेन में प्रॉब्लम, किसी का लीवर में प्रॉब्लम, किसी का गैस का प्रॉब्लम, किसी का गठिया का प्रॉब्लम, किसी का डायबिटीज, किसी का कैंसर, इतना किसी का सूजन, इतना किसी का ब्लड का कमी, इतना जो समस्या आ रहा है सिर्फ दो चीज़ का। अगर दो चीज़ को हम सुधार लेंगे तो हमारे शरीर में कभी प्रॉब्लम होबे नहीं करेगा, क्योंकि इसी को सुधारना मुश्किल है। तो यहीं पर डॉक्टर लिम्सोजिन देखा अगर ये गेनोडर्मा लुसीडम अगर जो 6 मशरूम का जो तैयार 1 जो हुआ इसी का नाम रख दिए गेनोडर्मा लुसीडम, तो उसका काम था मेन प्रोडक्ट इसका था RGGL,
मेन इसका प्रोडक्ट है आर जी जी एल, अभी सदा हुआ है सर के पास नहीं है, तो आर जी जी एल इसका मेन प्रोडक्ट है। तो अब आप जो मतलब भयानक समस्या में है, जैसे कि किसी का 5 साल 10 साल से डायबिटीज में चला गया, किसी कोई आदमी कैंसर में चला गया है, कोई आदमी क्या कहते हैं गठिया में चला गया, कोई थायरस में चला गया, कोई सूजन में चला गया, कोई पथली में चला गया, यानी कि नाखून से लेके बाल तक कोई भी प्रॉब्लम में क्यों न चला गया। लेकिन इसके लिए हमारे डॉक्टर लिम्फियोजिन एक ही प्रोडक्ट तैयार किए हैं, क्या कहते हैं आर जी और जी एल, इसके सेवन करने से हमारा जितना समस्या है धीरे धीरे ख़त्म कर, क्योंकि ये जो आर जी जी एल है कोई बीमारी पर काम नहीं करता है, ये डायरेक्ट सेल पर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून पावर। जैसे कि हम लोग भी पहले नहीं जानते थे कि इम्यून पावर किसको कहते हैं, इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं, लेकिन आप लोग सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार लोग हैं। आज की डेट में अगर मेरा इम्यून पावर मजबूत रहेगा, अगर मेरा सेल मजबूत रहेगा, तो आने वाला बीमारी का मजाल नहीं है जो हमारे शरीर में कोई टच कर सकता है। लेकिन जैसे रोग प्रतिरोग लड़ने का क्षमता अगर हमारे शरीर में मजबूत रहेगा, तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा तो कोई बीमारी आएगा तो हम उसे लड़कर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए हमारा शरीर अगर कमज़ोर होगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, तो एक चीज अगर प्रॉब्लम आएगा शरीर में तो साथ में हजारों प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि इसका मेन मुद्दा है इम्यून पावर कमज़ोर। एक बार अगर आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो हजारों धीरे धीरे हजारों प्रॉब्लम आपके शरीर में आ सकता है, क्योंकि आपका इम्यून पावर कमज़ोर हो गए, आपका सेल कमज़ोर हो गए। अगर आपको शरीर को बचाना है, आपको सेल को मजबूत करना है, अगर आपको इम्यून पावर को मजबूत करना है, आप चाहते हैं आने वाला भविष्य में अगर कोई वायरस हो, कोई बीमारी हो, कोई कुछ भी हो, अगर हमारे शरीर से कुछ नहीं करे, हम डट का सामना करें, इसके लिए आपको आर जी जी एल का लेना ज़रूरी है। आप अगर आर जी जी एल अगर खाते पीते हैं, इसमें ये नहीं है कि कोई बीमारे आदमी खा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर मेरा शरीर स्वस्थ रहे, कभी हम मेरा शरीर डॉक्टर के पास नहीं जाए, कोई बीमारी हमारे शरीर में ना लगे, कभी हम दरभंगा पटना का चक्कर ना काटे, तो आप आर जी जी एल पूरे आराम, जैसे कि भोजन खाना जरूरी है, जैसे कोई गरीब आदमी रहता है तो अपना दाल भात भी खाकर अपना ज़िंदगी गुजार लेता है, लेकिन इसी में कोई पैसा वाला आदमी रहता है तो 56 प्रकार का भोजन अपना खाता है। इसी प्रकार जिसके पास है पैसा, तो आप आर जी जी एल अपना भोजन में लेकर अपना जीवन को स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आप खा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आर जी जी एल हम लोग के लिए भविष्य के लिए एक बचाव है। वही में अगर जो आपका प्रॉब्लम कुछ मुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे कि बीपी हाई होगा, बीपी लो होगा, डायबिटीज होगा, या आज के डेट में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हर एक इंसान को रहता है। आपके धीरे धीरे लेने से जभी आप 6 महीना साल भर खाइएगा तो आपका जो समस्या होगा, बीपी हाई या बीपी लो या कोई डायबिटीज का परसेंट, कोई कुछ भी, तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। आप खुद महसूस कीजिएगा कि 6 महीना पहले हम क्या थे और 6 महीना बाद हम क्या हो गए। तो उसके बाद आपका आर जी जी एल तो हर एक इंसान के बस के गप नहीं है। मान के चलिए जिसके पास पैसा, दुनिया में हर एक प्रकार का मनुष्य इंसान रहता है, कोई पैसा वाला भी रहता है, कोई गरीब भी रहता है, लेकिन डॉक्टर लिम्फियोजिन के एक ही सपना है, एक ही कहना है कि हम हर गरीब को बचा सकते हैं, हर अमीर के साथ साथ गरीब को भी बचना चाहिए। अगर आपके पास आर जी जी एल लेते हैं तो आर जी जी एल भी ले सकते हैं। अगर जिसको मतलब पैसा नहीं है आर जी जी एल लेने के लिए, वो आदमी यही आर जी जी एल के सत्तू इस ऋषि गेनो टी में डाला हुआ है। अगर हम आर जी जी एल नहीं खाकर हम अगर ये चाय और नमक
नहीं है सर। चाय आ ये रिएक्शन का नमक जो आता है, ये नमक हम अगर लेंगे रेगुलर, अब ये नहीं जैसे कि कोई आता यहाँ कोई आता है तो बिना परेशानी का कोई नहीं आता है, हम भी कोई नहीं मान कर चलिए शुरू में किसी को बोलेंगे कि आप आइए डिएक्शन में समझिए डिएक्शन का प्रोडक्ट खाइए, तो शुरू में लोग कहता है हम अभी मतलब स्वस्थ लोग को बोलेगा कि हम अभी बीमार है सिर्फ प्रोडक्ट खाएंगे, मैं बीमार नहीं। कोई आदमी आता है तो बिना प्रॉब्लम को नहीं है। गैस तो आज के डेट में हर एक इंसान जो बच्चा जन्म लिया उसको भी है और जो बूढ़े जवान सबके लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मतलब पूरे जिंदगी स्वस्थ रहे, मतलब कोई हमें शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं लगे, जैसे कि आप चाय पीते हैं मार्केट का दूध वाला चाय, तो इसके लिए कहते हैं कि हम एक महीना पियेंगे उसके बाद नहीं पियेंगे, जैसे आप चाय दूध वाला लेते हैं उसको छोड़ के आप ये ऋषि गेनोर चाय पीजिए, इसमें कोई चीनी नहीं डालना है, कोई मतलब दूध नहीं डालना है, सिर्फ पानी को उबालना है। आप पानी को उबालने के बाद आप 10 मिनट उसमें उबाल लीजिएगा, उसके बाद ये चाय दे दीजिएगा, उसके बाद ये थोड़ा नमक डाल दीजिएगा, 10 मिनट ढक दीजिएगा, 10 मिनट के बाद आप 2 गिलास पी लीजिएगा। आपका अगर 10 दिन इसको चाय को लीजिएगा तो दिमाग आपका दूध वाला चाय पर से उतर जाएगा, आपका दूध वाला चाय पीने का मन नहीं होगा। साथ में अगर आप दूध वाला चाय पीते थे पहले तो आप हर एक बीमारी को अपना शरीर में बुलावा दे रहे थे, लेकिन वही चाय हम भी कहते हैं जड़ी बूटी का राजा पीने के लिए। अगर दूध वाला चाय छोड़कर आप ये ऋषि गेनोर टी का चाय पीते हैं तो आप हजारों बीमारी से बच पाइएगा, क्योंकि ये चाय पीने से पहला तो आपको गैस नहीं बनेगा चाहे परिवार में, आ एक चाय ले जाते हैं तो आप पूरे परिवार को साथ पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है हम लोग का बचाव है। आज के डेट में जितना हम लोग पानी के माध्यम से हवा के माध्यम से जो गंदगी लेते हैं, यही गंदगी हम लोग का ये ऋषि गेनोर टी में जो गेनोडर्मा डाला हुआ है जड़ी बूटी का राजा, इस ये हमारे बॉडी को साफ सफाई करेगा, आ ये जब ये साफ सफाई करेगा तो हमारा बॉडी पूरा सुरक्षित रहेगा, कोई बीमारी जल्दी नहीं लगेगा। आ जल्दी क्या आप अगर इसको मतलब मान के चलिए अपना घर का सदस्य मान लीजिएगा, जैसे कि हमको पानी डेली पीना है, पानी के बिना हम कभी एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं, वैसे ही आप लोग अगर दिल से ये चाय को अपना लगा लीजिएगा, बोलिएगा कि एक दिन अगर हम इस चाय को बारे में अगर हमको जानकारी आज से मिल गया तो हम जैसे पानी को बिना एक मिनट नहीं रह सकते हैं, इसी तरह हम चाय के बिना एक मिनट नहीं रह सकते। अगर कल सधने वाला है तो आप इसको आज ही लेकर आज ही पीना, कभी कोई दिन ऐसा नागा नहीं होना चाहिए। जैसे आप पानी के बिना कभी एक मिनट रह सकते हैं, एक दिन अगर व्रत करते हैं बिना पानी का तो सुबह होते होते लगता है लोग का कि जान निकल जाए, कब हो सुबह सो हम खाना खाएं पानी पिए। इसी तरह आपका इस तरह से अगर बेचैनी अपना शरीर में अगर समा लीजिएगा ये रिएक्शन प्रति, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर जिसके पास पैसा है अपना ब्रांड को चेंज करके हर एक प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है सारा प्रोडक्ट नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अगर हम अभी जो कोई प्रोडक्ट मार्केट से यूज करते हैं ये शुद्ध नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये पूरा केमिकल का है, लेकिन हमारा जो रिएक्शन प्रोडक्ट है एक एक सर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, एक एक बड़े डॉक्टर का जानल पहचानल प्रोडक्ट है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी इसको यूज किए हैं। जैसे कि ये चाय आपको पीना है सुबह सुबह पूरे परिवार को साथ, जितने परिवार है सबको चाय सुबह एक लीटर पानी में गर्म करके पूरे परिवार को साथ पीना है, शाम को फिर पीना है चाय और नमक। जैसे कि इसको पीने से आपको गैस का समस्या होगा वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आपका बीपी लो होगा इसको कंट्रोल रखेगा, बीपी हाई होगा उसको कंट्रोल रखेगा,
रखेगा, थायरस में भी कंट्रोल रखेगा, गठिया में भी कंट्रोल रखेगा। यानी कि जितना प्रॉब्लम आपको जितना दिन से था उतना दिन आप 6 महीना साल भर इसको पी लीजिएगा तो धीरे धीरे आपके शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिन बाहर होगा, आपका समस्या बाहर होने लगेगा। इसमें घबराना नहीं है। इसके साथ ये एस्पायलुना, ये एस्पायलुना भी हमारा जो है भोजन है। मान के चलिए आज के डेट में हम लोग को जो लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। किसी को सब दिन बस के गप नहीं है कि कोई आदमी आधा किलो फल खा सकता है, कोई आदमी आधा लीटर दूध एक आदमी ले सकता है, आधा किलो साग सब्जी ले सकता है, डेली माछ मछली फ्राई करके ले सकता है, कोई क्या कहते हैं पालक आधा केजी खा लेगा, कोई चना खाएगा। सब दिन बस के गप नहीं है क्योंकि उसके पास उतना टाइम भी नहीं है और सब दिन उतना मतलब मिलेगा भी नहीं, प्रॉब्लम भी होगा। इतना रंग का सामान डेली किसी का घर में नहीं रहता है तो इसके लिए इसका तो कमी होना चाहिए। क्योंकि पहले जो हम लोग को जो मिलता था तो खाने खाकर हम लोग इतना मस्त रहते थे, इतना विटामिन खाना में था जो हम लोग को ज़्यादा परेशान होने का कोई समस्या नहीं होता था। लेकिन पहले जो इतना खाद केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में जितना हम लोग खाद केमिकल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग का खाना बहुत मतलब पेट तो भर जाता है लेकिन जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलता। उसी के कारण सबसे पहला हम लोग का शरीर में ब्लड का कमी होता है और जब ये ब्लड का कमी होगा तब ये हजारों बीमारी शरीर में आना शुरू हो जाता है। तो हजारों बीमारी से बचना है तो हमको ये एस्पायलुना 2 सुबह और 2 शाम लेना है। ये एकदम नेचुरल है, आज आप बच्चे को भी दे सकते हैं, अपना भी पूरे फैमिली के साथ। अगर मान के चलिए इसका ऑनलाइन रेट है 1260 रुपया, तो अगर एक परिवार में मान के चलिए 4-5 परिवार है, ज़्यादातर रहते हैं 2 पति पत्नी 2 बच्चे, 4 फैमिली रहता है, अगर 1260 रुपया में आप एक डिब्बा लिए एक महीना जो 2 सुबह 2 शाम करके मान के चलिए 16 टैबलेट डेली हो गया। अगर इसके खाने से हम आने वाला भविष्य में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी हमें डॉक्टर का ज़रूरी नहीं पड़ेंगे, कभी हमको दवा का ज़रूरी नहीं पड़ेंगे, इसी खाकर हम अगर मस्त रहेंगे तो हमें इसमें खाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप सर्च कीजिए ना, आप गूगल पर जाकर पूछिए, बड़े बड़े डॉक्टर इसका मतलब स्पीड दे रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि क्योंकि इसके रिएक्शन में जो लाए हैं वो डॉक्टर रत्ना वासुपाल मैम है, क्योंकि ये उनका भी हम सुने हैं, उनका बड़े बड़े डॉक्टर का भी सुने हैं, क्योंकि ये जो है समुद्री काई है एकदम नेचुरल, जो काई को खाकर कछुआ हिल मछली पत्थर सरो बरस जिंदा रहते थे। अगर उसी पर जब वैज्ञानिक सर्च किए तो देखा कि पहले जमाना में आप लोग खुद इस चीज़ को सोचिए ठंडा दिमाग से, जो पहले जमाना में लोग 100 बरस से अधिक जीते थे, कोई दवा नहीं लेते थे, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, फिर भी वो 100 बरस से अधिक जीते थे। आखिर क्यों, कारण क्या था? क्योंकि उस समय में लोग इंग्लिश दवा का कम इस्तेमाल करते थे और जड़ी बूटी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के समय में जो 40 साल में 20 साल में 25 साल में किसी को पतली हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को सूजन होता है, आखिर क्यों? इसी के कारण जो हम लोग जन्म लेते हैं आ इंग्लिश दवा खाना शुरू करते हैं, वही इंग्लिश दवा खाते खाते ही, क्योंकि इंग्लिश दवा में सब जानते हैं कि 10% दवा का अंश है, 90% केमिकल कचरा है। 10% तो हमारे शरीर को ठीक कर देते हैं लेकिन 90% कचरा हमारे शरीर को और बीमारी को ओर ले जाते हैं, और धीरे 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 हमारे शरीर के जितना पार्ट पुर्जा है सब कमजोर होता चला जाता है। जब ये कमजोर होते होते जब हम लोग का शरीर में नया ब्लड रहता है तब हम लोग बीमारी से मत, जब नया ब्लड रहता है तब तक हम लोग चाहते हैं कि पचाते रहते हैं, वही जिस दिन कमज़ोर हो जाते हैं उस दिन हम लोग का शरीर से
फालतू हो जाते तब डॉक्टर का जरूरी पर। अगर यही एस्पायलुना अगर हम डेली लेंगे दो सुबह और दो शाम तो कभी ना हम कमज़ोर पड़ेंगे ना ब्लड का कमी होगा, हम पूरे ज़िंदगी सुरक्षित रहेंगे। जैसे पहले ज़माना में हम 100 बरस से अधिक जीते थे, इसी तरह अगर घर घर ये चाय और ये एस्पायलुना, ये नमक जूस, एक जूस आता है नोनी जूस, ये तीन प्रोडक्ट अगर हम यूज, इसको तो हम डेली लेंगे चाय आ ये नमक एस्पायलुना आ जूस, हम अगर जो प्रॉब्लम में है ज़्यादा प्रॉब्लम में चले गए उसके लिए 6 महीना आप लगातार पी लीजिएगा। अगर 6 महीना के बाद लगे कि अब हम नहीं पिएंगे तो सिर्फ साल में आप 2 ठो पी लीजिएगा, हर एक साल आप देखिएगा 6 महीना साल बार 2 साल में। अगर आप पहले बराबर डॉक्टर के पास जाते होइएगा, अगर ये प्रोडक्ट 6 महीना आप खा लिए तो आपका इंग्लिश दवा जो आता होगा घर में वो आना बंद हो जाएगा। आप जो पहले इतना परेशान होते होइएगा वो परेशानी आपके शरीर में नहीं आएगा, धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाइएगा। इसी तरह आप जैसे ठीक हुए उसी तरह आप दूसरों को भी मदद कीजिएगा, दूसरों को भी बताइएगा ऐसे ऐसे करके। जैसे कि अभी जो डिएक्शन है 204 देश में चल रहा है, ऐसा ही नहीं है कि एक यही बेलहेटा में है, मधुबनी जिला ता में है, पूरे विश्व में है, जहाँ खोजिएगा वहाँ मिलेगा। क्योंकि आज के डेट में लोग को जो दिमाग में गलत फहमी जो घुसा हुआ है वो गलत फहमी दूर नहीं होता है। लोग कब ध्यान देता है शरीर पर, जब शरीर पूरे तरह से बीमारी में चला जाता है तब ध्यान देता है कि मेरा शरीर आप बीमार पड़ा। लेकिन यही ध्यान अगर आप शुरू में दे दिए, आप शुरू से आप अगर ये चाय एस्पायलुना लेते रहिएगा तो कभी आप बीमार नहीं पड़िएगा, कभी आपका डॉक्टर के पास जाने का नौबत नहीं आएगा। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का फिर 2020 में दिसंबर में हल्ला हुआ था तो होते होते मार्च अप्रैल तक पूरे देश में फैल गया, इसी तरह अभी भी मतलब दिखा रहा है कि इतना हो गया है, इतना मृत्यु डेली हो रहा है। हम लोग को डरना नहीं है लेकिन लड़ना है। हम लोग अगर डर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन डर नहीं कहता है, जो डर के सामना करेगा वही जीतेगा। कोई टेंशन वाला बात नहीं है क्योंकि हम लोग को भगवान गेनोडर्मा लुसीडम भेज दिए हैं कोरोना से लड़ने के लिए। अगर इस प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, जैसे इसका कॉफ़ी आता है, चाय आता है, एस्पायलुना आरजीजीएल सब आता है, अगर किसी को कोरोना हो भी जाएगा अगर इस डिएक्शन को प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, सपंग करेंगे तो हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम फिर से नए ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारा कोई डरने का बात नहीं, लड़ना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जिसके पास है जिसके घर में है कोई बीमारी कुछ नहीं कर सकता है। आपको धैर्य और विश्वास रखना होगा और इस प्रोडक्ट को खाना होगा और डरना नहीं है और डिएक्शन को आगे बढ़ाना है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग।